एसआर की गाड़ी एक 5-स्टार होटल के बाहर आकर रुकी, जिसमें से एसआर और कियारा साथ में बाहर आए। गाड़ी से बाहर आते ही कियारा ने अपने दोनों हाथों को धीरे से रब करते हुए कहा, अंदर जितनी गर्मी थी बाहर उतनी ही ठंड लग रही है। बाहर काफी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और उसने इस वक्त अपना वुलन जैकेट भी नहीं पहना था, जिस वजह से उसकी बॉडी में हल्की हल्की शिवरिंग हो रही थी। आपको ठंड लग रही है? कियारा को कप कपाते देख एसआर ने उससे पूछा तो उसने अपना सर हां में हिलाते हुए जवाब दिया। ये सुनकर एसआर ने एक पल कुछ सोचा और फिर बोला, एक चीज ट्राई करें, कम ऑन लेट मी गिव यू अ जादू की झप्पी। एसआर ने उसे अपने थोड़ा करीब आने का इशारा करते हुए कहा। व्हाट, ये जादू की झप्पी क्या है? कियारा ने थोड़ा नासमझी से पूछा, मानो उसे एसआर की बातों का मतलब समझ ही ना आया हो। आपको नहीं पता? नो। कियारा ने अपने कंधे उचकाते हुए ना में जवाब दिया तो एसआर ने तुरंत आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। इस अचानक हुए मूव से कियारा हैरान रह गई। कुछ मिनट तक तो वो रिएक्ट करना ही भूल गई। किसी भी रिलेशनशिप में ना आने की वजह से वो आज तक कभी किसी के इतने करीब नहीं आई थी। ये पहली बार था जब वो यूं किसी लड़के के गले मिली थी। आज उसे एक अलग सा एहसास हुआ और वो एक स्टैचू की तरह एसआर की बाहों में खड़ी उसकी धड़कनों को महसूस कर रही थी। नाउ हाउ इज यू फीलिंग? नाउ फीलिंग गुड। एसआर ने उसे और टाइटली अपनी बाहों में जकड़ते हुए पूछा तो वो तुरंत ही अपने सेंसेस में वापस आई और हड़बड़ाकर एसआर से थोड़ा झेपते हुए बोली, अब अंदर चलें? क्या? ऑफ कोर्स। एसआर ने अपने बालों में हाथ घुमाया और मुस्कुराते हुए कियारा के साथ अंदर जाने लगा। अंदर जाते उसने कियारा के लिए चेयर पुल की और फिर कियारा की पसंद का फूड ऑर्डर किया। खाना आने में अभी वक्त था तो तब तक दोनों आपस में बिजनेस रिलेटेड बातें करने लगे। एक्चुअली बातें तो सिर्फ कियारा ही कर रही थी, एसआर तो कहीं और ही बिजी था। कियारा उसे अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बता रही थी, वहीं एसआर उसे स्कैन करने में लगा था। वैसे अब तो आपको सब पॉइंट्स क्लियर है ना? यहाँ पे कोई डाउट है? अचानक कियारा की आवाज सुनकर एसआर वापस अपने होश में आया और बोला, हाँ हाँ सब क्लियर है, वैसे एक बात तो है। उसकी इस बात पर कियारा ने उसे सवालिया नजरों से देखा तो वो आगे बोला, आपकी स्माइल बड़ी प्यारी है। कियारा हंसते हुए बोली, सीरियसली मुझे तो आज तक किसी ने नहीं बोला। और आपका दिल भी बहुत प्यारा है। एसआर की बात सुनकर कियारा थोड़ी कंफ्यूज होते हुए बोली, दिल? लेकिन जैसे ही उसने एसआर की नजरों का पीछा किया जो बेशर्मी से उसी की ब्रेस्ट को घूरे जा रही थी तो उसने तुरंत हड़बड़ाकर अपने टॉप को ठीक करना शुरू कर दिया। आपका दिल भी बहुत साफ है। एसआर ने तुरंत ही सक पकाते हुए कहा। कियारा ने थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहा। तब तक उनकी टेबल खाने के डिशेस से भर चुकी थी। वैसे आप यहाँ पर कहाँ ठहरी हुई हैं? मैंने सुना है कि आप बस इस मीटिंग के लिए ही बेंगलोर आई थी। एसआर ने प्लेट में खाना सर्व करते हुए कियारा से पूछा तो जवाब में कियारा अपनी स्पून उठाते हुए बोली, सही सुना है आपने, मैं आज ही मुंबई आई हूँ और होटल रोज में रुकी हूँ। मैंने वहाँ अपने लिए एक सूट बुक किया है। ओह ग्रेट, तो आज रात का क्या प्लान है आपका? एसआर ने खाने की एक बाइट लेते हुए पूछा। उसकी इस बात पर कियारा थोड़ा हैरान होकर अपनी स्पून उठाते हुए बोली, प्लान? कैसा प्लान? आई हैव नो प्लान्स। ओह, तो फिर क्यों ना हम डील फाइनल होने की खुशी में एक पार्टी करें? आज रात तुम भी फ्री, मैं भी फ्री, चलो साथ में एक एक ड्रिंक करते हैं और डील के पेपर भी साइन कर लेंगे। बोलिए क्या कहती हैं आप? एसआर ने जैसे ये कहा कियारा खुश होते हुए बोली, मतलब आप ये डील करने के लिए रेडी हैं? ओके, तो फिर किसी नाइट क्लब चलते हैं? क्लब नहीं, एक्चुअली मुझे शोर शराबा ज्यादा पसंद नहीं है, मुझे तो तन्हाई पसंद है। ये कहते हुए एसआर कियारा के करीब आया और एक टिश्यू लेकर उसके होठों के किनारे को साफ करने लगा। और इस समय कियारा बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगी लेकिन तभी एसआर के हाथों को अपने लिप्स पर महसूस कर उसने एकदम से अपनी आंखें खोली और एसआर बोला, एक्चुअली आपके लिप्स के नीचे कुछ लगा था, मैं बस उसे ही साफ कर रहा था। वहीं उसके इतना करीब आने से तो कियारा के दिल की धड़कन काफी बढ़ चुकी थी। वो मदहोश होते हुए एसआर को देखते हुए बोली, तो क्यों ना मेरे स्वीट चलें? डोंट वरी, वहां कोई नहीं होगा हम दोनों के अलावा। वाह एसआर, तेरी तो किस्मत खुल गई, लड़की खुद सामने से ऑफर दे रही है, क्या बात है। कियारा की बात सुनकर एसआर मन ही मन खुश होने लगा। उसकी आंखों में तो तुरंत ही चमक आ गई, मानो वो तो कब से इस पल का इंतजार कर रहा हो। कुछ देर बाद एसआर और कियारा एक आलीशान होटल सुइट में बैठे हुए ड्रिंक कर रहे थे। तभी एसआर ने अपनी पॉकेट से एक ब्रेसलेट निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। उस ब्रेसलेट को अपने सामने देखते ही कियारा ने अपने हाथ में पकड़ा वाइन का ग्लास टेबल पर रखा और ब्रेसलेट को अपने हाथ में लेते हुए बोली, वाओ कितना खूबसूरत है ये ब्रेसलेट।
किसका है? एक्चुअली मेरी दादी ने मुझे ये डायमंड का ब्रेसलेट दिया था। ये हमारा खानदानी ब्रेसलेट है जो काफी रेयर भी है, और देते वक्त उन्होंने मुझे कहा था ये ब्रेसलेट मैं अपनी लाइफ की सबसे खूबसूरत लड़की को ही दूं। और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में आज तक मैंने आपसे खूबसूरत लड़की कोई नहीं देखी, इसलिए ये ब्रेसलेट मैं आपको देना चाहूंगा। ये कहकर एसआर ने वो ब्रेसलेट लिया और कियारा के हाथों में पहनाकर उसका हाथ चूम लिया। अपने हाथ में चमकते उस डायमंड ब्रेसलेट को देखकर कियारा खुशी से चहकते हुए बोली, सच में ये मेरे लिए? ओह सो नाइस ऑफ यू एसआर। यस, ये सिर्फ तुम्हारे लिए। वैसे अब तो तुम्हें ठंड नहीं लग रही ना? एसआर बड़ी इंटेंस नजरों से उसे देखते हुए बोला। वहीं उसके ऐसे देखने से कियारा थोड़ा शर्माते हुए बोली, थोड़ी थोड़ी। तो फिर चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, और इस बार थोड़ा और अच्छे से ट्राई करते हैं, जादू की झप्पी। और ये कहते हुए एसआर ने कियारा को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। धीरे धीरे कियारा को अपनी पीठ पर एसआर के तेजी से चलते हुए हाथ महसूस हुए जो उसके कपड़ों के नीचे जा रहे थे। वहीं कियारा भी एसआर की पीठ को सहलाने लगी। वो इस समय एक दूसरे की गर्म सांसों को एक दूसरे के चेहरों पर महसूस कर पा रहे थे, और देखते ही देखते एसआर ने अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। कियारा ने भी उसे नहीं रोका और उसकी इस किस में उसका साथ देने लगी। थोड़ी देर में उन दोनों ने एक दूसरे के कपड़े निकालने शुरू कर दिए और कुछ देर बाद दोनों बेड पर थे। एसआर जैसे ही उसे किस करते हुए आगे बढ़ने लगा तो कियारा ने बीच में एक फाइल लाकर उसे रोकते हुए कहा, रुको, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले इस पर अपने साइन तो कर दो, तभी तो डील पूरी होगी। ओह, तो हमारे प्राइवेट मोमेंट पर भी तुम्हें डील की पड़ी है? मैंने कहा था ना, ये डील तो फाइनल ही समझो। ये कहकर एसआर ने तुरंत उन पेपर्स पर साइन कर दिए और फाइल को बेड के दूसरी ओर फेंक दिया और आगे बढ़कर कियारा को डीपली किस करने लगा। तभी टेबल पर रखा एसआर का फोन लगातार बजने लगा, जिससे फ्रस्ट्रेटेड होकर वो चिल्लाया, अब कौन है यार कबाब में हट्टी? लेकिन जैसे ही उसकी नजर फोन की स्क्रीन पर शो हो रहे कॉलिंग नेम पर पड़ी तो तुरंत ही हड़बड़ाकर वो कियारा से दूर हुआ और अपना फोन उठाते हुए बोला, आहान ब्रो, भाई क्यों कॉल कर रहे थे आप मुझे इस वक्त? सब ठीक तो है ना? उसने जैसे ही कॉल रिसीव कर फोन अपने कान से लगाया, उधर से आहान की कोल्ड वॉइस सुनाई थी, मैं डील फाइनल कर रहा था भाई, इसलिए मैं बाहर आया हुआ था। डील बस फाइनल ही समझिए, एसआर ने थोड़ा प्राउडली फील करते हुए कहा। और ये कहते हुए वो कियारा को देखकर एक स्माइल भी पास कर रहा था, जैसे उसने इस डील को फाइनल करके कितना बड़ा काम कर दिया हो। What? किससे पूछ के तुमने डील फाइनल की? फोन के दूसरी ओर से आहान की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर एसआर तुरंत ही बेड से थोड़ा दूर जाते हुए बोला, क्यों क्या हुआ भाई, कुछ गड़बड़ है क्या? इस डील में साफ लिखा हुआ है कि इसको करने से हमारी कंपनी को कितना लॉस हो सकता है, फिर तुमने ये डील फाइनल कैसे की? मीटिंग में कर क्या रहे थे तुम? क्या तुमने उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस ध्यान से नहीं सुनी? अभी के अभी ये डील कैंसिल करो एसआर। पर भाई, आई सेड क्लोज द डील राइट नाउ, अंडरस्टैंड? आहान ने एसआर की बात बीच में ही काटते हुए कहा, जिसे सुनकर एसआर थोड़ा परेशान हो गया और अपनी धीमी आवाज में बोला, पर मैं ऑलरेडी ये डील फाइनल कर चुका हूँ भाई। क्या मैं कुछ नहीं जानता? मुझे बस इतना पता है कि तुम्हें ये डील कैंसिल करनी है, और कैसे करनी है वो तुम्हें अच्छे से पता है। और ये कहकर आहान ने कॉल कट कर दिया। हेलो 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 भाई, ओह शिट, अब मैं क्या करूं, ये भाई को भी अभी कॉल करना था। एसआर ने अपने फोन को घूरा और अपना सर पकड़कर बेड के कोने पर बैठ गया। उसे ऐसे देखकर कियारा उसे पीछे से हक करते हुए अपने क्लोज खींचने लगी। क्या हुआ स्वीटहार्ट, तुम इतने टेंस क्यों दिख रहे हो? किसका कॉल था? वो एक्चुअली कियारा, हमें डील कैंसिल करनी होगी, एसआर ने अपनी धीमी आवाज में कहा। एसआर की बात सुनकर कियारा तुरंत एसआर से दूर होकर चौंकते हुए बोली, व्हाट, ऐसे कैसे डील कैंसिल कर सकते हैं? अभी-अभी तो हमने ये डील फाइनल की है। बट हमें करनी पड़ेगी, ऊपर से ऑर्डर्स हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, एसआर ने कहा तो कियारा ना समझी से बोली, ऊपर से मतलब? तुम तो खुद बॉस हो ना अपनी कंपनी के। हाँ हूँ, बट कंपनी के हेड मेरे भाई हैं और कंपनी से जुड़े फाइनल डिसीजंस लेने का हक मेरे भाई को ही है। ये कहते हुए एसआर बेड से दूर जाकर खड़ा हो गया। वहीं एसआर की बात सुनकर कियारा के एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज हो गए और वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तो तुम्हारे पास क्या है? अरे जब सारे फैसले तुम्हारे भाई को लेने हैं तो अपने भाई को ही भेजना था ना ये मीटिंग अटेंड करने, खुद क्यों चले आए जब तुम्हारे पास कोई पावर ही नहीं है? एनीवेज तुम्हारी भी कंपनी में अथॉरिटी है और तुम्हारे साइन भी हो चुके हैं, तो अब हम ये डील कैंसिल नहीं कर सकते। पर मैंने तो अभी ये डील फाइनल ही नहीं की, एसआर अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए बोला। उसकी इस बात पर कियारा तुरंत बेड से उठी और एग्रीमेंट की फाइल उठाकर एसआर को दिखाते हुए बोली,
तुम्हारी याददाश्त तो ठीक है ना? अभी कुछ देर पहले ही तुमने ये डील फाइनल की है। सी दिस, तुम्हारे साइन है इस एग्रीमेंट पर। दिखाओ, क्या ये मेरे साइन है? ये कहकर एसआर ने वो फाइल कियारा के हाथ से ले और कहा, हाँ साइन तो मेरे ही है, पर अब नहीं रहेंगे। और ये कहकर एसआर ने उन पेपर्स के छोटे छोटे टुकड़े करके हवा में उछाल दिए और फिर अपनी एक आई विंक करते हुए बोला, लो हो गई डील कैंसिल। उसकी ये हरकत देखकर कियारा गुस्से से पागल हो गई और वो आगे बढ़कर एसआर के कॉलर को पकड़कर चिल्लाते हुए बोली, हे यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, निकलो निकलो मेरे रूम से बाहर, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये कहकर कियारा एसआर को खींचते हुए दरवाजे तक लाई और उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया और दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। वो दरवाजा बंद करके खुद के गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसके रूम का गेट नॉक हुआ। दरवाजा खोलते ही एसआर को फिर से देखकर वो गुस्से से चीखते हुए बोली, अब क्या है? वो मेरा डायमंड ब्रेसलेट। दरवाजे पर खड़े एसआर ने अपनी बत्ती सी दिखाते हुए कहा। ये सुनकर तो कियारा के गुस्से का पारा और हाई हो गया और उसने वो ब्रेसलेट निकाला और साथ ही टेबल पर रखा एक फ्लावर पॉट उठाकर एसआर की तरफ तेजी से फेंक दिया। एसआर तुरंत अपना माथा पकड़ते हुए चिल्लाया कि तभी कियारा ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद करते हुए कहा, दफा हो जा यहां से। बेचारा एसआर, उसने वो ब्रेसलेट तो कैच कर लिया था लेकिन ब्रेसलेट को पकड़ने के चक्कर में वो पॉट को नहीं देख पाया जो सीधा जाकर उसके फोरहेड पर लगा, जहां अब काफी स्वेलिंग नजर आ रही थी। अगले दिन शार्वी आज फिर अपनी डेस्क पर बैठी बार बार अहान के केबिन की तरफ ही देखे जा रही थी। इसलिए नहीं कि अहान ने उसे अपने केबिन में नहीं बुलाया, बल्कि इसलिए क्योंकि अहान सुबह से कई बार उसे अपने केबिन में बुला चुका था, लेकिन वो बार बार कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल जाती। यहां तक कि उसने आज की कॉफी भी प्यून के हाथ से ही उसके केबिन में भिजवा दी थी। जब से उसे रियलाइज हुआ था कि उसके दिल में भी अहान के लिए फीलिंग्स हैं, तब से वो अहान का सामना करने से बच रही थी। हालांकि उसने अभी पूरी तरह अहान के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसे अहान के सामने जाने में काफी शर्म आ रही थी। वहीं अहान जो खुद शार्वी के अपने केबिन में ना आने से बेचैन था, वो विंडो पर लगे कर्टन्स हटाकर बाहर उसी ओर देखे जा रहा था जिस ओर शार्वी बैठी थी। उसको खुद के केबिन की तरफ ही बार बार देखते हुए पाकर वो हल्के से मुस्कुराता हुआ बोला, जानता हूं मुझसे मिलने की बेचैनी तुम्हें भी है, लेकिन तुम जानबूझकर मेरे सामने नहीं आ रही हो। देखता हूं आखिर कब तक बचती हो तुम मुझसे और कब तक छुपा पाते हो अपने एहसासों को, मिस कॉटन कैंडी। ये कहकर उसने विंडो बंद किया और अपनी चेयर पर बैठकर एक नंबर डायल करने लगा। वहीं जैसे ही इधर आहान ने नंबर डायल किया तो दूसरी तरफ शार्वी की टेबल पर रखा फोन तुरंत बज उठा। हेलो। शार्वी के फोन उठाते ही उसके कानों में आहान की आवाज पड़ी, मिस शार्वी, अभी के अभी मेरे केबिन में एक कॉफी लेकर आइए। पर सर, अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने कॉफी। शार्वी ने इतना बोला ही था कि तभी अहान उसकी बात काटते हुए बोला, तो क्या मिस शार्वी, अब आप मेरी कॉफी का भी हिसाब किताब रखेंगी? शार्वी ने हड़बड़ाते हुए कहा, नो सर, मैं अभी भिजवाती हूँ। गुड, और हाँ, इस बार किसी और के हाथों कॉफी मत भिजवाइएगा, इस बार आप खुद कॉफी बनाकर लेकर आएंगे। ये कहकर अहान ने कॉल कट कर दिया। वही अहान की बात सुनकर शार्वी परेशान हो गई। वो बड़बड़ाते हुए बोली, पूरे साल की कॉफी क्या इन्हें आज ही पीनी है? सुबह से दो बार तो पी चुके हैं, और कितना पियेंगे? अब क्या करेगी शार्वी, अब तो जाना ही पड़ेगा। इस बार तो पियून को भी नहीं बोल सकती, क्या करूं? तभी उसकी नजर अचानक ही सामने की तरफ पड़ी और उसकी आंखों में तुरंत ही एक चमक आ गई। वह यहां अपने केबिन में बैठा मनी मन मुस्कुरा रहा था। अब तो शार्वी को उसके सामने आना ही पड़ेगा क्योंकि उसने शार्वी को साफ इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि वो खुद उसके लिए कॉफी बनाकर लाए। तभी उसके केबिन का गेट नॉक हुआ। यस प्लीज कम, अहान ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने लैपटॉप में देखने लगा। तभी किसी ने उसके सामने आकर टेबल पर जोर से कॉफी मग पटक दिया। अहान ने जैसे ही सामने देखा तो वो चौंकते हुए बोला, लीजा तुम यहाँ, और ये क्या हरकत है? लीजा गुस्से से मुंह फुलाते हुए बोली, हरकत? अभी तो मैंने कोई हरकत की ही नहीं है अहान, वरना तुमने जो मेरे साथ किया है ना, उसके लिए मुझे कॉफी नहीं जहर लगा कर देना चाहिए था तुम्हें। वो तो शार्वी ने मुझसे इतने प्यार से रिक्वेस्ट की तो मैं उस मासूम को मना नहीं कर पाई, इसीलिए तुम्हारे लिए कॉफी ले आई। उसकी बातें सुनकर अहान उसे घूरते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? लीजा दुखी होते हुए बोली, दिल तोड़ा है तुमने मेरा, मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाया है, गोल्डन अवार्ड के नाम पर नकली अवार्ड दे दिया जो ब्लास्ट हो गया, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी अहान। वहीं लीजा की बात सुनकर अहान गुस्से में बोला, शट अप लीजा, आर यू मैड? वो कोई नकली अवार्ड या नकली बॉम्ब नहीं था, तुम्हें पता भी है उस अवार्ड के अंदर सच का बम था, और अगर वो अवार्ड तुम्हारे हाथ में होता तो अभी तक तुम्हारे चीथड़े उड़ चुके होते।
अंडरस्टैंड? मैं यहान की बात सुनकर और इस सीन को इमेजिन करके लीजा शॉक्ड होकर हकलाते हुए बोली, क्या असली बॉम्ब? मतलब तुमने मुझे नकली अवार्ड नहीं दिया था, उसमें सच में बॉम्ब था? उसकी बात सुनकर आहान ने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें कसकर बंद की और फिर अपने गुस्से को शांत करते हुए बोला, हाँ लीजा, वो असली बॉम्ब था जो मेरे ही किसी राइवल का काम था, पार्टी बर्बाद करने के लिए, या फिर यूं कहो कि मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या तुम्हारा कैटलॉग शूट पूरा हुआ? आहान को गुस्से में देख लीजा जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, नो, वो कल मैं छुट्टी पर थी ना, मेरी तबीयत खराब थी। तो जाकर अपना काम करो, और हाँ, आज के बाद मेरे लिए गलती से भी कॉफी लेकर तो बिल्कुल मत आना, जिसका काम है उसे ही करने देना, got it? ओके ओके आहान, मैं समझ गई, तुम गुस्सा मत हो। आहान के गुस्से को देखते हुए लीजा तुरंत उसके केबिन से बाहर भाग गई। उसके बाहर जाते ही आहान ने अपनी टाई के नॉट को थोड़ा सा ढीला किया और फिर अपनी चेयर पर बैठकर कॉफी मग को घूरने लगा। वहीं दूसरी तरफ एहसार को पिक करने आया हैप्पी गाड़ी के बोनेट पर बैठा, अपने एक हाथ को अपने गाल पर रख अपनी सैनोरेटा मतलब लीजा के सपनों में खोया हुआ था। तभी एहसार भी अपने माथे पर हाथ रखकर हैप्पी के पास आया। जैसे ही वो एक दूसरे के सामने आए तो दोनों ही एक दूसरे को घूर घूर कर देखने लगे। क्या हुआ हैप्पी, यूं गाल पर हाथ रखकर क्यों बैठा हुआ है, सब ठीक तो है ना? एहसार की बात सुनकर हैप्पी तुरंत ही बोनेट से नीचे कूद कर खड़ा हो गया और हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ भी नहीं मेरे भाई, तू बता तूने क्यों अपना माथा छुपा रखा है? नहीं बस ऐसे ही, एहसार ने जवाब दिया और तुरंत ही गाड़ी का गेट खोलकर अंदर बैठ गया। उसके बैठते ही हैप्पी भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और उसने कार स्टार्ट की और एहसार को देख मनी मन बोला, ये एहसार को आज हुआ क्या है, कुछ जरूर छुपा रहा है ये मुझसे, लेकिन क्या? वही एहसार भी हैप्पी को देख मनी मन सोच रहा था, कुछ तो हुआ है हैप्पी को, बता नहीं रहा है लेकिन पता तो करना ही पड़ेगा। वो दोनों एक दूसरे को देखकर ये बातें मनी मन सोच रहे थे लेकिन दोनों ही खामोश थे। जब एहसार से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो इस खामोशी को तोड़ते हुए बोला, ओए हैप्पी अब बता भी यार क्या हुआ है, क्या छुपा रहा है तू मुझसे, और ये बार बार तेरा हाथ तेरे गाल पर क्यों जा रहा है, क्या आज फिर से लीजा ने तेरे गालों को खींच दिया? वहीं एहसार की बात सुनकर हैप्पी अपना गाल सहलाते हुए बोला, क्या बताऊं यार, कल रात क्या हुआ तेरे भाई के साथ? क्या हो गया यार, सब ठीक तो है ना? कल रात तेरा भाई सारी रात लीजा जी के घर पर था, हैप्पी शर्माते हुए बोला, व्हाट, तू लीजा के घर पर था? उसकी बात सुनकर एहसार शॉक्ड हो गया और फिर हैप्पी की तरफ गौर से देखते हुए बोला, ओ भाई तू ठीक तो है ना, कुछ हुआ तो नहीं ना तुझे? मुझे क्या होगा यार, हैप्पी ने सवालिया नजरों से एहसार को देखा और फिर शर्माने लगा। शर्म से उसके गाल इस समय लाल हो रहे थे। लीजा ने कुछ किया तो नहीं ना तेरे साथ, एहसार ने शक भरी नजरों से उसे घूरते हुए कहा। ना ना ऐसा कुछ भी नहीं है, तू कुछ ज्यादा ही सोचता है एहसार, तेरी भाभी मतलब लीजा जी एक संस्कारी लड़की है। वही हैप्पी को इतना शर्माता हुआ देख एहसार को कुछ शक हुआ और वो उसे घूरते हुए बोला, तो फिर हैप्पी तू इतना शर्मा क्यों रहा है, इधर देखा अरे चेहरा तो दिखा मेरे लाल, मेरे गोलू, मेरे मोलू, चेहरा दिखा, अब बता क्या छुपा रहा है तू मुझसे? अब कुछ भी तो नहीं एहसार, छोड़ यार, हैप्पी अपना मुंह छुपाते हुए बोला। हैप्पी देख सीधी तरह से बताता या अभी गुलगुली करना शुरू करूं, एहसार ने उसका मुंह अपनी ओर घुमाते हुए पूछा। अरे नहीं नहीं बताता हूं यार एहसार, तू भी जिद ना किया कर मेरे भाई। किस यार, किस किया लीजा जी ने मुझे, किस किया, यहीं पे किस किया मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे गोलू, मेरे मोलू एहसार, हैप्पी एक्साइटेड होकर अपने गाल को छूता हुआ बोला। क्या किस किया या किसके आगे भी कुछ बताना, बताना हैप्पी, एहसार ने अपनी एक आईब्रो चकाते हुए पूछा। तो हैप्पी अफसोस में गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं यार तेरा भाई बेहोश हो गया था, मुझसे तो वो किस ही नहीं संभाली गई मेरा दोस्त, मेरा फर्स्ट टाइम था ना, तेरी तरह मैं एक्सपीरियंस नहीं हूं, ये कहकर हैप्पी ने सफाई दी। वही उसकी बात सुनकर एहसार चैन की सांस लेते हुए बोला, ओह थैंक गॉड तेरी इज्जत नहीं लुटी, शुक्र है बात एक किस पर ही आकर रुक गई, वरना पता नहीं क्या होता। लीजा तेरे टाइप की नहीं है यार, तुझे मैंने कितनी बार समझाया है, देख एहसार मुझे कुछ भी बोल लेकिन मेरी लीजा जी के बारे में एक शब्द मत बोलना, मैं तुझे बता देता हूं, तुझे पता है ना कि वो मेरा पहला प्यार है, हैप्पी थोड़ा रूठते हुए बोला। पर यार हैप्पी सुन तो, तू नहीं जानता है, मैंने कहा ना लीजा जी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगा, ले मैंने अपने कान बंद कर दिए,
अबे कान बंद मत कर और गाड़ी चला, सामने स्टीयरिंग को पकड़। क्या कर रहा है हैप्पी? एसआर पूरे रास्ते बार बार कुछ कहने की कोशिश करता रहा, लेकिन हैप्पी ने लीजा के खिलाफ उसे एक भी शब्द बोलने नहीं दिया और रॉय ग्रुप्स के सामने लाकर गाड़ी रोक दी। ओके फाइन, जब तुझे कुछ सुनना ही नहीं है तो बाद में मुझे आकर कुछ मत कहना। हार मानकर एसआर ने अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए कहा, लेकिन उससे पहले वो गाड़ी से बाहर निकल पाता हैप्पी तुरंत उसे रोकते हुए बोला, पहले ये बता मेरे भाई कि तूने अपना माथा क्यों छुपा रखा है? नहीं यार कुछ भी तो नहीं, वो तो ऐसे ही, वो मैं थोड़ा स्लिप हो गया था, एसआर ने बात टालने की कोशिश करते हुए कहा। चेहरा तो दिखा इधर मेरे गोलू, मेरे मोलू, मेरे एसआर, अपना चेहरा क्यों छुपा रहा है? तो अपने भाई को नहीं बताएगा? अब बता भी दे या गुलगुली करना शुरू करूं? हैप्पी ने जिद करते हुए एसआर की तरह कहा। तो एसआर ने कल रात की सारी बात उसे सुना दी। शिट यार, ये आजकल हो क्या रहा है मेरे साथ? न्यूयॉर्क में था तो कितना मजा था लाइफ में, चारों तरफ तितलियां ही तितलियां, और मैं कभी एक तितली को पकड़ता तो कभी दूसरी तितली को, लेकिन जब से यहाँ इंडिया आया हूँ ग्रहण ही लग गए हैं, नागिनों से पाला पड़ रहा है मेरा, नागिनों से जो हर वक्त दसने के लिए तैयार रहती हैं। पता नहीं किसकी बद्दुआ लग गई है मेरी हस्ती खेलती लाइफ में। ये कहकर एसआर गाड़ी से बाहर निकला, वहीं हैप्पी भी उसके पीछे आते हुए बोला, अब सोते हुए शेर को जगाएगा वो भी उसकी गुफा में जाकर, तो यही होगा ना? तुझे किसने बोला है मेरे भाई ये सब करने के लिए? ये इंडिया है इंडिया, न्यूयॉर्क नहीं। वैसे तू उस खूंखार शेरनी को काबू में करने वाला था ना, वही जो तेरी असिस्टेंट थी, तो तू ये रॉन्ग साइड कैसे पहुंच गया? उसकी बात सुनकर एसआर आगे की तरफ बढ़कर मुस्कुराते हुए बोला, तू वानी की बात कर रहा है ना? चह, वो मेरे टाइप की नहीं है यार, लड़कियां नाजुक सी होती हैं मेरे भाई, जो प्यार करने के लिए बनी होती हैं, और वो है जिसे गलती से भी हाथ लगा दो तो हाथ तोड़ने के लिए आगे बढ़ जाती है, वो बस मेरी असिस्टेंट है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। एसआर तो प्यार बांटने के लिए बना है, किसी एक का बनकर रहने के लिए नहीं। और वैसे भी जब मैं कल उसे लंच पर लेकर गया था वो उसी में मुझे काफी इंप्रेस लग रही थी, और देखना जल्दी वो तेरे भाई के साथ। ये कहकर एसआर जैसे ही हैप्पी की तरफ पलटा उसकी स्माइल तुरंत ही गायब हो गई और उसके बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। वहीं हैप्पी कुछ नहीं समझ पाया कि एसआर के चेहरे का रंग क्यों बदल गया। वो अभी भी एसआर की बातों में इंटरेस्ट लेते हुए बोला, बोलना मेरे भाई आगे क्या, जल्दी क्या बताना मेरे भाई। कुछ भी तो नहीं हैप्पी, तू भी क्या यार उल्टा उल्टा सोचता रहता है, तुझे कितनी बार बोला है कि अपनी सोच को थोड़ा अच्छा कर, गंदी बातें नहीं सोचते हैं, वानी बहुत अच्छी लड़की है यार, उसके बारे में तू ये सब कैसे सोच सकता है? एसआर को ऐसे बोलता देख हैप्पी कंफ्यूज हो गया कि एसआर ने तुरंत अपना रंग कैसे बदल दिया। वो अभी भी नासमझी से बोला, ये कैसी बातें कर रहा है मेरे भाई, मुझे तो लगा तू वानी के साथ गूंची मूंची करके आया होगा। वहीं हैप्पी को अभी भी ये नासमझी भरी बातें करते हुए देख एसआर ने उसे आंखों से कुछ इशारा किया। अब की बार हैप्पी के दिमाग की बत्ती थोड़ी सी जली और उसने डरते हुए पीछे पलट कर देखा, और जैसे ही वो पीछे पलटा एक जोरदार तमाचा हैप्पी के गाल पर पड़ चुका था, क्योंकि उसके पीछे वानी खड़ी थी जो गुस्से से उसे घूर रही थी। तमाचा खाकर हैप्पी जल्दी से एसआर के पीछे दुबक गया। वो वानी ना समझ है, वो ऐसे ही मजाक कर रहा था। एसआर ने हैप्पी को बचाने की कोशिश की। एसआर ने हकलाते हुए इतना कहा ही था कि तभी वानी उन दोनों को इग्नोर कर अपने पैर पटकते हुए ऑफिस के अंदर चली गई। वहीं उसको जाता हुआ देख एसआर हैप्पी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बोलता हूँ भाई कंट्रोल रखा कर हैप्पी, कंट्रोल रखा कर। तुझे समझ भी नहीं आ रहा यार मैं तुझे कब से इशारे कर रहा था, खूंखार शेरनी मेरे पीछे खड़ी है और तू एंड में मुझे आंख से इशारा कर रहा है, ये वाला इशारा तू पहले भी तो कर सकता था मेरे भाई, कितनी जोर से थप्पड़ मार कर गई है। वहीं हैप्पी ने एक नजर जाती हुई वाणी को देखा और फिर एसआर की तरफ देखते हुए बोला, मेरे भाई मेरे गोलू मेरे मोलू एसआर, लगता यही थप्पड़ अब तेरे गाल पे भी पड़ने वाला है, गॉड कीप यू सेफ। और ये कहकर हैप्पी अपने दोनों गालों पर हाथ रखते हुए वहां से चला गया। तो क्या होगा जब होगा एसआर और वानी का आमना सामना, और क्या शार्वी आहान के साथ अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर पाएगी, या फिर आहान ही पहला स्टेप लेगा? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा द वन एंड ओनली आरजे रेवांश के साथ तू जान है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक्स बटन को प्रेस कर रेवांश को सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिए। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है तू।
जान है एहसास तेरा हर पल साथ है अब तू ही जिंदगी है तू जान है।